टीकमगढ़ जिले के बुंडेरा ग्राम अंतर्गत 11,000 केवी लाइन पर काम कर रहे एक आउटसोर्सेस कर्मचारी राम प्रसाद लोधी को करंट लगने से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया। लाइन सुधारते समय लाइनमैन ऑपरेटर राम कंचन गौतम की लापरवाही के चलते आउटसोर्स कर्मचारी को करंट लग गया, जो गंभीर रूप से घायल है। कर्मचारी को आनंद फानंद में जिला अस्पताल टीकमगढ़ लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पीड़ित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि लाइन सुधारने के पहले लाइन ऑपरेटर राम कंकन को फ़ोन द्वारा लाइन बंद करने का परमिट लिया गया था, लेकिन लाइन ऑपरेटर की लापरवाही के चलते लाइन में अचानक करंट आ गया, जिसमें कर्मचारी बुरी तरह करंट की चपेट में आ गया। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के SI MK सोनी ने कहा कि शीघ्र ही घटित पर घटना के बारे में जांच के आदेश दिए गए, साथ ही इस लापरवाही में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम है यार? क्या घटना घटी? चार साल में डिगो केबल जोड़ रहे थे, केबल जोड़ के डिगो बांधे, जैसे ही हाथ के प्लास्टर डिगो बांधे वैसे लाइट आई और ये सब कर रहे। क्या काम करते तुम? आउटसोर्स कर्मचारी। आउटसोर्स कर्मचारी, कब से काम कर रहे? 3 साल। 3 साल कहाँ पे लगा करंट, किस जगह काम कर रहे थे? ग्राम संध्यापुर अखरा के साथ किया। साथ किया, क्या इसका परमिट लिया था आपने बंद करने का? लाइनमैन ने लिया था। कौन था लाइनमैन? धर्मपाल सिंह था। इन्हें परमिट लिया था जी। फिर आप कैसे गिरे वहाँ पे? लाइट का पता कैसे चालू कर दी भाई, ऑपरेटर बता सके? कितने बजे तक का परमिट लिया था? फोन से लिखा था, बोले थे कि तब तक काम नहीं गया तब तक लाइन चालू नहीं करनी। एक एक लाइन आ गई, एक एक करंट आ गया उसमें? एक एक। आप गिर पड़े? गिर पड़े। अच्छा अच्छा, कितने बजे की घटना है? करीब 12 बजे। कौन स्थान पर घटना घटी? सातखिया। सातखिया, चलो बताओ क्या नाम आपको? हमारा मथुरा डोगी। क्या घटना घटी? हमारे भैया लेनमैन में काम कर रहे, तो धर्मपाल लेनमैन धर्मपाल था, तो उन्हें परमिट दिया। परमिट लेने के बाद उन्हें फोन नहीं लगा, परमिट वापस नहीं हुआ, तो उन्हें लाइट जोड़ दी। मुझे अपने राम कंकन उनके बदले भैया के बदले नौकरी कर रहे। अच्छा अच्छा, भाई कहाँ है उनका? बाहर है। बाहर है, तो आप किसकी लापरवाही मानते हैं? राम कंकन से बरादर जी साहब। राम कंकन की लापरवाही से इनको करंट लगा, इस चीज को मान दिया? एक साल से ऊपर है ये बंदे की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ की घटना है जी? लाडीस सर, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी है, एक एक्सीडेंट हुआ लाइन में। सर क्या हुआ मामला सर? जैसा कि कल रात को मुझे पता हुआ है कि हमारे बुढ़ेरा वितरण केंद्र में एक रघुवीर लोधी लाइन कर्मी लाइन पे कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते उनके हाथ में शॉक लगा है और वो नीचे गिरे, उनके सिर में भी चोट आई है। वर्तमान में ये कल की घटना है, अभी वो जिला अस्पताल टीकमगढ़ में भर्ती हैं। उनके पास हमारे लाइन कर्मी उनकी देखरेख के लिए लगे हुए हैं और जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि अभी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर काम के दौरान लाइन का काम जब चलता है उसका परमिट लिया जाता है, परमिट लेने के बावजूद भी लाइन कैसे चालू करें? और ये सभी लोगों को विदित है और मेरे द्वारा तो लगातार जब भी वितरण केंद्र में जाता हूँ लाइन कर्मी, मीटर रीडर, ऑपरेटर और वहाँ के कनिष्ठ अभियंता सभी को मैं इकट्ठा बिठाल के ये स्पष्ट निर्देश देता हूँ और उनके द्वारा कि लाइन पे कार्य करते समय क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए। लाइन का परमिट तो लिया ही जाता है और साथ में जो भी व्यक्ति लाइन पे कार्य करता है उसको भी अपनी सुरक्षा रखते हुए उस लाइन पे जहाँ पे वो काम करने वाला है डिस्चार्ज राड लगा कर ही काम करना है और अपने हाथों में हैंड ग्लोव्स पहन के ही काम करना है। इसके लिए हैंड ग्लोव्स डिस्चार्ज राड की व्यवस्था की हुई गई है, परंतु कभी कभी लापरवाही के कारण व्यक्ति डिस्चार्ज राड का उपयोग नहीं करता है और ऐसी दुर्घटनाओं का अंजाम होता है। इस सर अभी इनके परिजनों का कहना यह है कि वहाँ पे जो राम कंकन है वो वहाँ पर सर्विस करते हैं और जो पदस्थ हैं वहाँ पर वो बाहर रहता है और उन्हीं के द्वारा लाइन चालू की गई है, तो सर आप इसको किसको दोषी मानेंगे? तो देखिए अभी मैं जब तक केस की तह में नहीं जा पाऊँ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये जरूर है
कि यदि कहीं करंट लगा है तो कहीं से न कहीं से उसको उस जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ करंट आया है, इसकी मैं जांच करवाता हूँ और दोषी जो भी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती न कर पाए और हम हमारे लाइन कर्मियों की सुरक्षा कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।